इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज की दूसरी परिचर्चा में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज की ये परिचर्चा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रीथिंकिंग रिलेशनशिप ऑफ लोक एंड शास्त्र इन 21st सेंचुरी विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे आज हम कुछ उन बिंदुओं को समझने की, पकड़ने की कोशिश करेंगे जहां पर शास्त्र और लोक के संबंधों को हम समझ सकें, क्योंकि शास्त्र के प्रति हमारा आग्रह बहुत अधिक है। सारे भारतीय मानस का, हमारा क्या, सारे भारतीय मानस का शास्त्र पर बहुत अधिक विश्वास भी है और आग्रह भी है कि शास्त्र में क्या कहा है। और दूसरी तरफ लोक एक ऐसा, लोक एक ऐसी अवधारणा है जिसके कई सारे आयाम हैं। लोक में आप पीपल के अर्थ में भी जानते हैं, लोक को आप 14 लोकों के अर्थ में भी, भुवनों के अर्थ में भी जानते हैं, और लोक का अपना जो अर्थ है वो है प्रकाश, लुच धातु से। और मैं समझता हूं कि बात को आरंभ करने से पहले ये भी हम थोड़ा सा ध्यान कर लें कि भारतीय संदर्भ में लोक और जो जन शब्द हैं वो थोड़ा सा एक अलग सा फ्लेवर देते हैं, अलग सा उसका आयाम होता है। लोक जो है वो सुसंस्कृत लोगों के लिए हम प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं, और इसीलिए जो है वो लोक जो है वो, अगर आप शास्त्रीय प्रयोग देखेंगे तो वो लोक इसी अर्थ में आता है कि जो बड़े सुसंस्कृत हैं और सभ्य हैं। जन जो है वो थोड़ा सा इस अर्थ में भिन्न हो जाता है कि जो लोग अभी उस रूप में सुसंस्कृत नहीं है, और वो उन लोगों के लिए अपनी जो सर्वाइवल के इश्यूज हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां पर भूख और हिंसा और इस तरह की बातें जो हैं वो ज्यादा व्यापक डोमिनेट करती हैं, वो ज्यादा प्रभावी रहती हैं। तो जन जो है वो मेरी दृष्टि में, जैसा मुझे समझ में आया जितना देखा पढ़ा, तो जन एक तरह से जो है वो असंस्कृत जो व्यवहार करने वाले लोग हैं वो जन तक रह जाते हैं, और इंडिविजुअलिटी के ऊपर उसके ज्यादा जोर होता है अपने लिए ग्रहण करने का, जबकि जो लोक है वो मूल्य पर आधारित एक व्यवस्था है और लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं। हालांकि विकृतियों के कारण इसको हम बहुत अलग अलग रूप दे सकते हैं, बहुत सारे दोष भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मूल भावना की और उसके जो पीछे पृष्ठभूमि है उसको मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। और जो हमारा संदर्भ है वो इंडियन संविधान है, क्योंकि जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम कुछ नियमों, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो उस सब को जो रिप्लेस कर दिया गया है वो इंडियन संविधान के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। उसको हमने मध्य में स्थापित किया है कि ये भारतीयों की पहचान इंडियन संविधान होगा और उसी से वो संचालित होंगे, और उससे पूर्व जो है वो शास्त्र मर्यादा से जो है अपना व्यवहार, अपना आचरण, ये सारा प्रयोग कर किया करते थे। तो ये कुल मिलाकर के ये 2-3 शब्द हैं जिनको आज हमें विचार करना है। आरंभ में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझी करूंगा, और उसके बाद आप लोगों की प्रतिक्रियाएं और आप लोगों के विचार और जो भी नए आयाम आप इसमें दे सकते हैं उनके ऊपर आप लोगों के विचार सादर आमंत्रित हैं। एक बात जो आपको और हमें समझनी है कि जब हम इस तरह की बात, इस तरह का विषय लेते हैं, उस विषय के 2 पक्ष हैं। एक तो है, जो ये बात मैं पहले भी कहा करता हूं, कि एक और तो हमारी है व्यापाराश्रित भाषा, दर्शन और संस्कृति, ये बिजनेस और कॉमर्स बेस्ड जो है हमारा, जो लैंग्वेज है हमारी, फिलोसफी है और हमारा कल्चर जो है वो सारा का सारा जो है वो बिजनेस, कॉरपोरेट और इंडस्ट्री बेस्ड है, इसमें हम जी रहे हैं, ये हमारी 21वीं शताब्दी है। और दूसरी ओर जो जिस विषयों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो एग्रीरियन बेस्ड लैंग्वेज है, आपका एग्रीरियन बेस्ड फिलोसफी और
कल्चर है। तो कृषि आधारित हमारी भाषा है, निश्चित रूप से वो पुरानी भी होगी और इससे भिन्न होगी जो हमारी व्यापार आश्रित भाषा और दर्शन और संस्कृति है, व्यवहार। अब इन दो के बीच में हम शास्त्र की एक जो पारंपरिक परिभाषा है, सामान्य परिभाषा में बहुत अधिक उनको नहीं मैंने चुना, लेकिन शास्त्र का स्थूल रूप में जो अर्थ है, परिभाषा है, वो है हित शासकत्वम इदम सामान्य लक्षण। कि शास्त्र की जो सामान्य लक्षण है वो क्या है, जो हित शासक है, जो हित का साधन कर देता है, जो हित की ओर प्रेरित करता है, वो शास्त्र कहलाता है। इसकी दूसरी एक और परिभाषा आप देख सकते हैं, वो है एक प्रयोजनोपबद्ध अशेषार्थ प्रतिपादकम। शास्त्र उसे भी कहते हैं जो एक प्रयोजन में, एक लक्ष्य में बंधा हुआ संपूर्ण अर्थ को, अशेषार्थ संपूर्ण अर्थ को प्रस्तुत कर देता है, वो शास्त्र है। ये उसका दूसरा डायमेंशन है, जैसे न्याय शास्त्र आदि आदि हैं। तीसरा एक और आप लक्षण देख सकते हैं कि प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुंसाम येन उपदिश्यते, कि जो प्रवृत्ति करने के लिए और निवृत्ति कि कहां पर आपने किस चीज में रुचि लेनी है और किन चीजों से आपकी रुचि होनी चाहिए, उसमें आपको रुचि नहीं लेनी चाहिए, ऐसा उपदेश जहां पर शास्त्र के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही साथ तद धर्माश्चोपदिश्यन्ते, जहां पे धर्म का भी उपदेश किया जाता है, ऐसे शास्त्र को शास्त्रविद लोग जानते हैं, मानते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो ये तीन डायमेंशंस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ साझी की हैं, और ये जो मैंने परिभाषा ली है वो सर्वतंत्र सिद्धांत पदार्थ लक्षण संग्रह, एक छोटी सी डिक्शनरी है, वेदांत की डिक्शनरी है, वहां से ये आप लोगों के लिए मैंने ली है। अब इसको दोबारा से एक बार हम देख लें कि जब इसमें हमने एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया 21st century, तो 21st century की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भी हम देख लें, क्योंकि वही हमारे शास्त्र के सामने आज के युग में चुनौतियां हैं, जिनको ना तो हम एकेडेमिक्स में उठाते हैं, ना उनके ऊपर चर्चा कर पाते हैं, ना उसका हम निदान शास्त्र के आधार पे देते हैं। हालांकि कोई कोई प्रयास करते हैं इंडिविजुअल स्तर पे, लेकिन सामूहिक स्तर पे ये जो प्रयास होना चाहिए कि शास्त्र के द्वारा हम इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। तो 21वीं शताब्दी के और बहुत सारे जो लक्षण हैं, विशिष्टताएं हैं, जो आधार हैं, उनमें ना जाते हुए मैं चार बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक तो इमोशनल क्राइसिस इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है 21वीं शताब्दी की। दूसरी कार्मिक जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस वक्त है सबसे बड़ा, दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती 21st century की है, जिसे हमें डील करना चाहिए शास्त्र के माध्यम से, जिसका समाधान देना चाहिए। तीसरा इंटेलेक्चुअल ज्ञानात्मक द्वंद्व जो है, बौद्धिक द्वंद्व इसे कहना चाहिए, बौद्धिक द्वंद्व या ज्ञानात्मक द्वंद्व, कि बौद्धिकता इतनी अति सीमा पर चली गई है कि जहां उसके पास आगे के मार्ग बंद है, और वो क्रिएटिव होने की बजाय वो सारी की सारी पृथ्वी को जो है वो नष्ट करने पे उतारू हो गई। तो जो इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है वो तीसरा जो है वो 21st century को परिभाषित करती है। और चौथा जो है, चौथी समस्या, चौथा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो है शाब्दिक अतिचार, कि शब्द का, भाषा का मर्यादा से अधिक जो प्रयोग करना है, और वो भी बिना भावों को समझे, बिना ज्ञान को समझे, और किस तरह से हम एक दूसरे के साथ शाब्दिक हिंसा कर रहे हैं, ये शाब्दिक अतिचार है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको पार्लियामेंट में और जो सामान्य लोग होते हैं, सड़क पे घूमने वाले सभी लोग, जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो शाब्दिक अतिचार की कई आयामों को स्पष्ट कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग परिचित नहीं है टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, या बिजनेस डेवलपमेंट से, वो सब बातें पता है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो तो यही हमारे सामने आती हैं, और शास्त्र के माध्यम से हम कैसे इनका समाधान कर सकते हैं और कैसे इनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार प्रश्न करने के भी चार स्तर हैं, और उन स्तरों को भी आप देख लीजिए एक बार। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार वो आपको प्रशिक्षित देते हैं, हालांकि हम टीचर्स कभी इन चीजों को बढ़ावा नहीं देते, स्टूडेंट्स को न सिखाते हैं न खुद सीखने का प्रयास करते हैं, कि चार प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसके विषय में हमें सबको प्रशिक्षण देना चाहिए।
लेकिन वो देते नहीं है, क्योंकि हम वही जो पिछले 70-80 साल से सिलेबस पढ़ाते आ रहे हैं उसी को पढ़ा रहे हैं, और ये जाने बिना कि उसका हमने क्या प्रयोजन करना है और उससे क्या समाधान करने हैं। तो लेकिन चलिए, शास्त्र आपको कहता है कि पहला जो पक्ष है प्रश्न का, पहला जो रूप है वो क्या है, एकांश व्याकरणी प्रश्न, जिसका मतलब होता है कि आप उत्तर हाँ या ना में दे देंगे। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो हमारे पास प्रश्न आएगा, क्या संस्कृत शास्त्रों का राष्ट्र एवं समाज निर्माण में योगदान होना चाहिए? बड़ा साफ सा स्पष्ट सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, और ये सभी डिसिप्लिन पे लागू होगा। दूसरा जो शास्त्रीय प्रश्न करने की पद्धति है वो क्या है, प्रतिपृच्छा व्याकरणी, ये जिसे आप काउंटर क्वेश्चन कहते हैं, और जिसका हम देखते हैं कि जहां केसेस को लेकर के वकील बहस करते हैं वहां पे काउंटर क्वेश्चन भी किया जाता है। जैसे कि क्या संस्कृत शास्त्र केवल पाठ्यक्रम की औपचारिक आवश्यकता मात्र है? तो इसका काउंटर क्वेश्चन होगा, क्या आपने संस्कृत शास्त्र का व्यवहार या प्रयोग सीखा है? इसी तरह तीसरा जो आयाम है प्रश्न का वो है स्थापनी प्रश्न। जैसे कि स्थापनी प्रश्न वो होते हैं जिनको हम उत्तर देना आवश्यक समझते ही नहीं है, जो हमें लगता है कि ये योग्य ही नहीं है। तो क्या संस्कृत शास्त्र प्रपंच मात्र अनर्थक है? इस तरह के जो सवाल अक्सर उठाए जाते हैं, क्योंकि शाब्दिक हिंसा करने से तो किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमें संविधान से मिली हुई है, और हम किसी के ऊपर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई भी प्रश्न आक्षेप उठा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के ये योग्य ही नहीं होते। लेकिन जो चौथा और अंतिम प्रश्न है, जो हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और वो इस आज की परिचर्चा का आधार भी है और आगे भी जितनी चर्चाएं होंगी उन सबका वो आधार रहेगा, वो है विभज्य व्याकरणीय प्रश्न। विभज्य व्याकरणीय प्रश्न क्या होते हैं कि जैसे कि जिनका आपको उत्तर बड़े विस्तार पूर्वक देना पड़ता है, उसका आपको विश्लेषण करना पड़ता है, उसके लिए तर्क आपको देने पड़ते हैं आदि आदि। तो जैसे कि संस्कृत शास्त्रों का प्रारूप एवं सार क्या और कैसा है, अब इसका उत्तर आपको बड़े विस्तार पूर्वक देना पड़ेगा। आप उत्तर हाँ ना में नहीं दे सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और ना ही आप इसका कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था है जिसे हमें देखना चाहिए और हमें प्रयास पूर्वक जो है अपनी क्लासेस में भी देना चाहिए और इसको हिस्सा बनाना चाहिए अपने एकेडमिक कोर्सेज का, लेकिन थोड़ा मेहनत का कार्य है। चलिए जल्दी से थोड़ी सी दो तीन बातें और समझ लेते हैं कि शास्त्र के ऊपर चर्चा किस लिए हम करें। शास्त्र के ऊपर चर्चा जो है वो इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि विचार की अनिवार्यता और विचार की अपर्याप्तता, इनसफिशिएंसी ऑफ थॉट जो है और कंपल्सिवनेस ऑफ थॉट जो है, वो हमें शास्त्र की शरण में जाने के लिए कहता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम विचार कर सकते हैं, लेकिन विचार जो है वो बिखर जाते हैं, स्थिर नहीं हो पाते। अभी एक विचार आया, फिर कोई और विचार आ गया और पिछला हम भूल गए, तो वो विचार नहीं है, वो विकल्प है कि एक आया, एक लहर आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, खत्म होती चली गई। लेकिन शास्त्र जो है वो आपको विचार को सुस्थिर करने का तरीका बताता है कि विचार को स्थापित कैसे करना है, उसके लिए आपने तर्क कैसे देने हैं, उससे आगे आपने विस्तार कैसे करना है आदि आदि। अब दो तीन बातें और मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। ये जो आप वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, ये एक श्लोक है, पढ़ने में आपको दिक्कत होगी लेकिन बड़ा सुंदर श्लोक है। शास्त्र स्वयं ये कहता है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्ना सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसे क्षीरम अबाम्बु मध्यात। पंचतंत्र में से ये बात कही गई है कि शब्द शास्त्र जो है वो तो बड़ा अनंत है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, हर पक्ष पे लिखा हुआ है, और आयु जो है वो बहुत कम है और विघ्न बहुत सारे हैं। स्वल्पम आयु बहवश्च विघ्न, बहुत सारे विघ्न हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, शास्त्र ये कह रहा है कि आप जो फल्गु जो व्यर्थ है उसको छोड़ दें, छिलका है उसको छोड़ दें, और उसमें से जो सार है उसको ग्रहण कर लें। ठीक वैसे ही जैसे कि जो हंस होता है वो दूध और पानी में से दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। तो ये शास्त्र आपको एक अपनी बात बता रहा है कि अप्रोच कैसे करनी है। दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कह रहा है, आप ये नीचे की ओर देखिए एक्स एक्सिस पे, एकम शास्त्रम अधियानो न याति शास्त्र निर्णय, कि भाई एक शास्त्र पढ़ने से किसी शास्त्र के विषय में निर्णय नहीं कर सकते आप,
अगर आप सोचें कि मैंने एक किताब पढ़ ली, एक ग्रंथ पढ़ लिया और हम विद्वान हो गए, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए तस्मात बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात निर्णायकः, तो निर्णायक होने के लिए बहुत सारे शास्त्रों को तुम जान लो, बहुत सारे शास्त्रों के विषय में जानो समझो, और तब जाके तुम निर्णय करने की स्थिति में पहुंचोगे। अगर ये सोचो कि एक शास्त्र पढ़ लिया, एक डिसिप्लिन पढ़ लिया और हो गया, या एक किताब पढ़ ली तो मैं विद्वान हो गया, तो ऐसा नहीं है। फिर एक और बात, अब ऊपर की ओर भी आप आ जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा मेरे साथ, मैं 5-10 मिनट और लूंगा आप लोगों के साथ। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थ से दर्शकम, भाई शास्त्र क्या होता है, एक और परिभाषा आपके सामने, अनेक संशयों का उच्छेद कर देने वाला और परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला, जो अर्थ, जो मीनिंग आपके सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उसे दिखाने वाला जो है, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सब बातों का जो आंख है, लोचन है, वो शास्त्र है। और जिसके पास ये शास्त्र नहीं है, यस्य नास्त्यंधः स एव, जिसके पास ये शास्त्र रूपी आंख नहीं है, वो अंधा ही है। और इस शास्त्र को ग्रहण कैसे करना होता है, उसके लिए वो कहते हैं, चार स्तर बताते हैं कि चतुर्भिः प्रकारेण विद्यो विद्योपयुक्ता भवत्यागम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। कि भाई इस शास्त्र रूपी विद्या को आप किस तरह से समझ सकते हैं, वो है आगम, पहले तो उसको ग्रहण करना, उसके बारे में जानकारी लेना, फिर उसके ऊपर चिंतन मनन करना, स्वाध्याय करना, फिर उसके बारे में चर्चा करना, प्रवचन करना, और अंत में उसको प्रयोग में लाना, व्यवहार। लेकिन हमने तो जितने कोर्सेस बनाए, जो भी डेवलप किया, उसमें कभी भी हमने व्यवहार की तो बात की नहीं। एनीवे, अब यहाँ पर एक बात और भी देखने वाली है कि शास्त्र हर किसी के लिए इस तरह से नहीं है कि कोई भी आया कि मैं पढ़ना चाहता हूं, उसको अपने आप को अधिकारी भी सिद्ध करना पड़ेगा, जिसमें प्री क्वालिफिकेशन होती हैं। तो अधिकारी का मतलब क्या है कि कम से कम जैसे आज आप जो है वो बी एम ए करके आते हैं, तभी अगली क्लास के लिए होते हैं, लेकिन वहां पर एम ए बी ए तो नहीं आपको चाहिए, लेकिन अपने को योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी वहां पर, तभी आप अधिकृत होंगे, ऑथराइज होंगे। ये राइट नहीं है, अधिकार शब्द का अगर अर्थ आप राइट के अर्थ में लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऑथराइजेशन के अर्थ में है। फिर आपको रिलेशनशिप भी उसके साथ अपना साबित करना होगा, स्पष्ट करना होगा, और ग्रंथ का जो शास्त्र है उसका अपना जो मटेरियल है उसके साथ उसका क्या संबंध है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर उस शास्त्र का विषय क्या है जिसे आप अध्ययन जिसका करने जा रहे हैं, और उसका प्रयोजन क्या है, पढ़ने क्यों जा रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए कितनी स्पष्टता से, कितनी व्यवस्था से ये सारी की सारी बातें रखी जाती हैं। और ये तो बड़ी सामान्य बात है, ये जो आप डायगनली देख रहे हैं कि शास्त्र को पढ़ने वाले चार तरह के लोग होते हैं, और ये गीता में ही कहा हुआ है, वहीं से लिया हुआ है, कि आर्त लोग जो पीड़ित हैं, जो किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं, अर्थार्थी जो कुछ ना कुछ धन कमाना चाहते हैं, यश कमाना चाहते हैं, और चौथे लोग होते हैं ज्ञानी, जो ज्ञान तो है लेकिन अपने ज्ञान को और अधिक विस्तृत करना चाहते हैं, वो शास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये शास्त्र से होगा क्या, उसको एक बार बड़ी छोटी सी समरी के रूप में आप देख लीजिए कि शास्त्र से एक तो प्रवृत्ति की किन कार्यों को हमें करना चाहिए, कि किस कार्य को करने में हमारी रुचि होनी चाहिए, और किन कार्यों से हमारी निवृत्ति होनी चाहिए, उसमें रुचि नहीं होनी चाहिए। फिर शास्त्र आपको सार रूप में विषय ग्रहण कराता है, और उसके जो रूप है वो भी उसको व्यापक रूप में भी उपस्थापित करता है, जो भी कोई विषय होगा उसको सार रूप में भी आपको प्रस्तुत करके देता है और उसको व्यापक रूप में भी देता है। और फिर विषय को जो शास्त्र है वो विचार करने का तरीका भी बताता है और तदनुकूल आचरण करने का तरीका भी बताता है। फिर वो संदर्भ भी बताता है कि किस संदर्भ में कौन सा शास्त्र उपयोगी है, और साथ ही साथ आपको वो विषय के बारे में भी बताता है कि इसमें स्थापनाएं कौन सी हैं। शास्त्र आपको लोक मर्यादा भी सिखाता है, लेकिन साथ ही साथ लोक अग्रसरता, कि भाई रुके नहीं रह जाना, आपने अग्रगामी भी होना है, चलना भी है, ये नहीं कि शास्त्र को पकड़ के बैठ गए और उसके बाद मैं आगे चलूंगा, नहीं, नए से नए विचारों को ग्रहण करने के लिए भी है।
और साथ ही साथ शास्त्र आपको युक्ति भी सिखाता है और अनुभव करने के लिए प्रेरित भी करता है। अब इस सारे से होगा क्या, इस सारे शास्त्र से, शास्त्र पे चर्चा करने से लोक चित्त का निर्माण होता है। जिस लोक का संबंध की हम बात कर रहे थे, लोक तो इसी तरह से व्यवहार करता है, जिसका जैसा मन आया वैसे वो चल पड़े। स्लाइड्स क्या शिफ्ट नहीं हो रही? आप बता सकते हैं अगर स्लाइड्स शिफ्ट नहीं हो रही तो? ओके, ओहो, ये मुझे पहले ही बता देते तो ज्यादा अच्छा। स्लाइड कुछ नहीं, स्लाइड कुछ नहीं देखा है। ओके, ये पहला स्लाइड है। अच्छा, वही चल रहा है? तो वही चल रहा है। ओके 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 ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, ये मुझे थोड़ा पहले ही अनुमान हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। एक मिनट, इसको ठीक कर लेते हैं, शायद इस वजह से हो। ये शायद विजुअल इफेक्ट की वजह से हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए था। हाँ, अब बदल रहा है ना? चलिए, चलिए, मिस हो गया, लेकिन मैं आपको स्लाइड्स एक बार दिखा देता हूँ ताकि। तो ये पहली स्लाइड तो आपने देखी, ये प्रश्नों वाली थी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, और ये वो स्लाइड है कि जहाँ पर शास्त्र के विभिन्न विषयों के बारे में हमने फिर रुक गई है। चलें, कोई बात नहीं। हाँ, ये वो वाली स्लाइड थी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि इसके जो अधिकारी संबंध और प्रयोजन है, और ये अगली स्लाइड थी जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि शास्त्र से होगा क्या, शास्त्र का अध्ययन करने से होगा क्या, और वो उसका लोक से संबंध क्या है। क्योंकि मैं ये कह रहा था कि शास्त्र जो है, लोग क्योंकि अपनी मनमर्जी से चलना चाहता है, जैसे वो फ्रीडम का नाम देता है, उच्छृंखलता का नाम, स्वच्छंदता का नाम देता है, तो शास्त्र उसे मर्यादा सिखाता है, शास्त्र उसे वो ज्ञान देता है कि किस तरह से तुम्हें व्यवहार करना चाहिए अगर समाज निर्माण करना है। तो लोक चित्त का निर्माण करने में शास्त्र की सबसे बड़ी भूमिका है, और उससे होता क्या है कि लोगों में एक विश्वास पैदा होता है, लोगों में एक साहस, विश्वास से साहस आता है, और फिर लोग उद्यम, उसमें उद्यमिता का भाव भी विद्यमान होता है। तो इस तरह से शास्त्र का लोक के साथ हम संबंध देखते हैं। एक ये दो स्लाइड्स दिखा करके मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के विचारों को आमंत्रित करूंगा। शास्त्र को अब आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो आपको दो तीन बातें सिखाता है। वो क्या बता रहा है आपको कि पहला तो कि आपको अपनी फ्रीडम ग्रहण करनी है। शास्त्र अंतिम नहीं है, शास्त्र माध्यम है, एक सीढ़ी है आपकी अपनी जो फ्रीडम है, आपका जो अपनी स्वतंत्रता है, तो शास्त्र उस स्वतंत्रता का हामी भरता है, और दूसरा वो आपको बंधन से मुक्त भी करता है, बंधन से मुक्त और फ्रीडम की ओर अग्रसर करता है। दूसरी तरफ वो आपको जो है कंपल्सिव चॉइसेस से कॉन्शियस चॉइस की ओर लेके चलता है कि केवल तुम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो तुम्हारा जो कंपल्सिव बिहेवियर है उससे मुक्त होकर के एक जो जागरूक व्यवहार तुम्हें करना चाहिए, वो कॉन्शियस चॉइसेस करनी चाहिए तुम्हें, चॉइस मेकिंग जो है वो सिखाता है। तीसरी तरफ वो ज्ञान में अग्रसरता और उसका विकास ये आपको बताता है, इसकी ओर अग्रसर करता है, और फिर सबसे बड़ी बात है आपको व्यवस्था करना सिखाता है कि कौन सी चीजें आपकी नेसेसिटीज हैं और कौन सी आपकी कंपल्शंस हैं, उनके बीच में आपने अपना प्रबंधन कैसे करना है, शास्त्र आपको ये भी सिखाता है। और आखिरी दो स्लाइड्स में मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं वो है कि शास्त्र के संदर्भ कौन कौन से हैं, शास्त्र संबंधी प्रश्न और संदर्भ। तो आप ये देखिए अपनी स्लाइड्स के ऊपर, लार्ज कर देता हूं,
एक सेकेंड, ये भी मैं टिक कर लूं। शास्त्र, एक सेकेंड, शास्त्र के दो तरह के भेद आप देखते हैं आधुनिक काल में, जिसे आप अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सब शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन पारंपरिक शास्त्र में न्याय, योग, वेदांत, साहित्य शास्त्र आदि आदि, इस शास्त्र के दो पंख हैं। एक यज्ञ उसका पंख है, दूसरा वेद स्वयं में है, यानी कि ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष, ये शास्त्र के दो पंख होते हैं। और शास्त्र की संगतता के भी दो पक्ष हैं, अनुभव और युक्ति, रीजनिंग जिसे आप कहते हैं। लेकिन शास्त्र को संगत करने वाले भी दो पक्ष हैं, एक और आपका मीडिया है जो किसी भी प्रकार के शास्त्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं, और संविधान जो कि आपके शास्त्रीय व्यवस्था को कोई मान्यता इस प्रकार की नहीं देता। शास्त्र को जो है वो उसकी द्वंद्वात्मकता के भी दो पक्ष हैं, कि जहां वो अनिवार्यता को लेकर के वो आपको सजग करता है, तो अपर्याप्तता का भी वो बोध कराता है कि मनुष्य होने के नाते तुम्हारी अपर्याप्तताएं क्या है। और शास्त्र, शास्त्रीय जो ग्रंथ है उनके भेदों में वो भी दो पक्ष हैं, जहाँ पे मूल ग्रंथ है न्याय सूत्र, योग सूत्र, और दूसरी ओर भाष्य ग्रंथ जैसे कि अध्यास भाष्य आदि आदि। और अंतिम स्लाइड जो है वो मैं आप लोगों के साथ, और उसके बाद आप लोगों की टिप्पणियां चाहता हूँ, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं भी चाहता हूँ, कि जो शास्त्र है, कि शास्त्र जो आरंभ होते हैं सामान्य रूप से प्रश्नों से आरंभ होते हैं, हमारी सारी भारतीय परंपरा ही इससे आरंभ होती है, प्रश्न से। तो शास्त्रीय प्रश्न और सामान्य प्रश्न का अंतर कैसे है, तो शास्त्रीय प्रश्न निर्धारित कैसे होते हैं, ये एक मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसपे हमें चर्चा करनी चाहिए। फिर शास्त्र की स्वयं प्रामाणिकता का प्रश्न भी है कि स्वयं शास्त्र स्वयं में प्रमाणिक कैसे है। फिर शास्त्रार्थ करना, जो कि आज नहीं होता, जिसे आज हम डिबेट के रूप में ले लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो शास्त्रार्थ था उसका स्तर और स्वरूप क्या है, शास्त्र और लोक के संबंधों के प्रश्न के ऊपर भी आप बात करेंगे। शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता। पढ़ना जो है ये बड़ा एक हल्का शब्द है कि मैं पढ़ता हूँ, गीता पढ़ना पढ़ना नहीं होता, उसका स्वाध्याय होता है। शास्त्र शब्द का अनुवाद अगर आप डिसिप्लिन या कुछ और करना चाहते हैं, कमांडमेंट्स के रूप में करना चाहते हैं, तो भी आपको हमें उस पर विचार करना है। फिर शास्त्र की सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन सी है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्टोरिकली, कि हमने इस सोशियोलॉजी में ये पढ़ाया कि भाई ये सारा ब्राह्मणों के बनाए हुए शास्त्र थे और इन्होंने कब्जा कर रखा जो 3% 2% शायद है सारे भारत में, तो भाई उसको मान्यता किसने दी? अगर सिर्फ ब्राह्मणों का ही ये काम था तो उसको सैंक्शन किसने दी और समाज ने उसको मान कैसे लिया? तो ब्राह्मणों के पास ऐसी राजनीतिक ताकत तो थी कोई नहीं, बट एनीवे, लेकिन हम इसको केवल शास्त्र तक रुकेंगे। और फिर शास्त्रीय धर्म और युगानुकूल धर्म में परिवर्तन की समीक्षा, कि जो शास्त्र में धर्म बताया गया है, व्यवहार बताया गया है, और युगों के अनुकूल जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और शास्त्रीय ज्ञान, और अंतिम जो प्रश्न है, शास्त्रीय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान, इन दोनों के संबंधों की भी हमें आज समीक्षा करनी है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे आज के एक पृष्ठभूमि थी चर्चा की, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की है कि भाई मैं लगभग 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये सारी बात आपके सामने रखूं एक पृष्ठभूमि के रूप में, और उसके ऊपर जो है आप लोग अपनी बात खुले मन से रखें, और जो आप लोगों के दृष्टि है, जैसा आपका लगता है, विचार है, वो विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो जो भी आप में से इस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं कि शास्त्र और लोक इनका संबंध क्या है, जो भी आप में से अपनी बात, जी विदुषी फिल्म से सबसे पहले वहीं से हम टिप्पणी लेते हैं जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, जी मैम नमस्ते। मैं एक्चुअली, मेरा नाम दीपिका कोठारी है और यहाँ पे वो स्क्रीन पे वो आ रहा है। हाँ जी, मैं इसी से ही मेरा लॉगिन रहता है, तो विशुद्धि फिल्म्स करके हम लोगों का एक चैनल है, तो इसमें हमने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स डाली हुई। जस्ट थोड़ा सा परिचय दे दूं, क्योंकि मैं आप लोगों के इस संस्कृत वांग्मय से नहीं हूँ,
मैं अपनी शक्ल तो शायद हाँ ओके यस आई थिंक आप देख तो मैं इसमें नहीं हूँ और मैंने फिजिक्स मेरा विषय रहा है, मैंने उसी में ही अपना डॉक्टरेट किया है और इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं। डॉक्टर आशुतोष जी तो जानते हैं इसके बारे में जी। तो उनको बताया था मैंने और ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन योग आदि पर हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं और योग के इतिहास की फिल्म बहुत सारी विदेशी भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुई है। तो ये एक छोटा सा परिचय है और मैं मुंबई में इसका कार्य कर रही हूँ। जब मुझे डॉक्टर अंगिरस के बारे में ये सारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसके बारे में पता लगा तो मुझे लगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि हम एज अ फिजिसिस्ट और जो इस वांग्मय से दूर रहे हैं और संस्कृत को बहुत कम जानते हैं, हमारे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा रहती है और ये फील्ड अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे कहा कि लोक से उसको कैसे जोड़ा जाए तो विज्ञान में भी ये समस्या हमेशा से आई है, साइंस एजुकेशन में, कि जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनको, जो हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको आप कैसे लोक के समस्याओं से जोड़ें, वो गैप वहां पर भी बहुत ज्यादा नजर आता है और सेम चीज यहाँ पर भी है। तो हमारा जो पूरा शिक्षा पद्धति थी वो लोक से बहुत दूर रही, यही इसका मुख्य कारण रहा है, और चाहे वो गणित हो या कोई भी और विषय हो। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी सभी स्लाइड्स में सर वो जो लास्ट वाली स्लाइड है आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या आप वो स्क्रीन पर दे सकते हैं क्या प्लीज? जी 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 एक सेकेंड। इसमें जो लास्ट स्लाइड में आपने प्रश्न पूछे हैं आई थिंक वो प्रश्न सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी अनम्यूट हो गया ओके इसमें मैं आपको एक दो उदाहरण ही सिर्फ देना चाहती हूँ जो लोक से संबंधित सवाल हैं, जो जब तक हमारा कॉमन यूथ इस इन सब ज्ञानमयी चीजों के प्रति आश्चर्य में नहीं फील करेगा और ये जानेगा कि इतना सब कुछ है इसके अंदर, तब तक वो इसकी ओर आकर्षित नहीं हो सकेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पर हमें ये विश्वास भी होना कि यहाँ पर सॉल्यूशंस मिलते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा आध्यात्मिक एवोल्यूशन भी कर सकती है, मुझे स्वस्थ भी रख सकती है, मेरे आसपास समाज को भी बहुत अच्छी तरह से बांधकर और स्वस्थ रख सकती है। जब तक मुझे ये इसका विश्वास नहीं होगा कि शास्त्र ऐसा कहते हैं तब तक शायद मैं इस ओर आकर्षित नहीं हो सकते। तो ये एक है कि हमें उनके प्रति एक नॉट फेथ बट एक इंटेलिजेंट तरीके से के हियर आर वेरी गुड सॉल्यूशन। नाउ फॉर दिस सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक दो बहुत कॉमन चीजों को लेकर इस पर कुछ ऐसे वीडियोस बनाएं और धीरे धीरे उनके माध्यम से लोग आकर्षित हों, जुड़ें। जैसे इस समय मैं देख रही हूँ बहुत ही कम लोग हमारे साथ जुड़े हैं जबकि इतनी इम्पोर्टेंट बात आप आज कर रहे हैं। प्रोबेबली आज तो सैटरडे फ्राइडे है, वर्किंग डेज तो ये दोनों, इसीलिए थोड़ी समस्या हो जाती है टाइमिंग की, तो सैटरडे संडे हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसमें मैंने अभी जैसे धर्मशास्त्र पढ़ रही थी कार्ने जी का, तो उसमें मैंने ऐसी कई सारे चैप्टर्स देखे, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आई जो आज का यूथ करने लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, तीर्थ यात्रा और टूरिज्म, ये दो शब्द हैं। दुनिया भर में टूरिज्म होता है और हमारे यहाँ सदियों से तीर्थ यात्राएं होती है। ये दो ऐसी चीजें हैं कि हम आज तीर्थ यात्रा को टूरिज्म की तरह प्रोपगेट कर रहे हैं और उससे वो फायदा बिल्कुल नहीं हो सकता किसी तीर्थ स्थल पर जाकर। और अगर हम टूरिज्म की तरह गए, खाली दर्शन वर्शन कर लिए और सब किया और वहां पूरी फन फेयर मस्ती करके आए, तो वी आर कमिंग बैक ऑल ब्रोकन और खाली, और ये भी लगेगा कि अभी और जाए और करें, कुछ शांति नहीं मिलती। जबकि तीर्थ यात्राओं से जब प्रॉपरली होकर लोग आते हैं
अच्छी तरह से जाते हैं और अच्छी तरह से आते हैं, तो फिर वो कहते हैं हमें तो बड़ा अच्छा लगा वहां जाकर, हमने ये ज्ञान की बात देखी, हमने ये ऐसी अच्छी चीज देखी। तो लोग घर में ये बात करते हैं, अच्छा आप वहां गए थे, हम भी वहां जाना चाहते हैं, बताइए आप कहाँ ठहरे, आपको कौन मिले, ये सवाल ही बदल जाते हैं। और टूरिज्म में जाएंगे तो आपको बिल्कुल सवाल ही, आपके घर में आने के बाद आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ये बताने की कोशिश करेंगे, आपने ये फन किया, आपने ये फन किया, आपके पास इतना पैसा है, आपने यहाँ ठहरे, ये उड़ाया। तो आप देखिए दोनों क्वेश्चंस जब जब आके आप अपना देते हैं, और खूब फोटोज डालेंगे कंटिन्यूअसली, यू विल कीप पुटिंग ऑन योर फोटोग्राफ्स टू जी प्रमोट योर फिजिकल सेल्फ, नॉट मतलब कि आप जी आध्यात्मिक पाया। सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा ले रही हूँ, लेकिन जी विषय है। तो ऐसे करके हमारे यूथ को इससे जोड़ना, जिसमें कि आप कह रहे राइट प्रश्न, यस राइट प्रश्न ये है कि मेरे को तीर्थ यात्रा की क्या चीज है, कब से चली आ रही है, इसके क्या फायदे रहते हैं, मुझे कैसा डूज एंड डोंट्स है मेरे लिए, मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए, मुझे किससे मिलना चाहिए, ये सारी बातें, और मुझे किन नियमों का पालन करना चाहिए, मुझे आकर खुश रहना चाहिए। तो ये सारी बातें, ये मेरे प्रश्न हैं जो मुझे जी जानने हैं। और शास्त्र इनके बारे में प्रामाणिकता क्या देता है, उनके प्रमाणित प्रश्न क्या हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनका अर्थ क्या है, कई सारे शब्द, तीर्थाटन का अर्थ क्या है, अनुवाद कैसे आप करेंगे, मेरे को ये बताना, मतलब मैं जानना चाहती हूँ। और कौन अथॉरिटी है जो इसको राइटली बताएगा, क्या कोई पंडित जी बताएंगे, क्या कोई स्कॉलर्स बताएंगे, या कोई वहां बैठे हुए साधु बाबा जी, तो वो तो ज्यादा कुछ बताते नहीं है जहां तक हमारा छोटा एक्सपीरियंस है, तो वो कौन बताएंगे। फिर ये हम ये शास्त्रीय धर्म और योगानुकूल ये कैसे हो सकता है। आज के तरीके से ऐसा नहीं कि मैं उपवास और तरह तरह की चीजें बहुत करने करने लगूं तीर्थाटन में, वो इम्पॉसिबल नहीं है आज के लोगों के लिए। लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट और ऐसी हो गई है, तो युग के अनुसार हम तीर्थाटन कैसे करें, उसका हम कैसे लाभ लें, हमें जी तो वो सारी चीजें हमें हमें आनी चाहिए। तो उसी तरह से आपने शास्त्रीय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान, इन दोनों के संबंधों को कैसे जोड़ा जा सकता है, तो ये बातें भी सामने। तो एक छोटी सी या तो बुकलेट हो, मोनोग्राफ हो, ऐसा बने, और ये बहुत पॉपुलर किया जाए, छोटे छोटे आप लोगों के मतलब जो अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से एक अच्छे अच्छे वीडियोस बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको प्रचार हो और हम समझें। एक तो ये जी बात थी, सेकंड एक बात है, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं कहना होगा। एक छोटा सा और मुझे लगा, प्रायश्चित करके मैंने अभी शब्द था और उसको मैंने थोड़ा पढ़ा था। ये बार बार लगता था कि गलतियां सबसे होती हैं, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आप गलती करते हैं, और फिर बाद में झूठ बोलना और ये सब चीजें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन ये प्रायश्चित जो है हमारे धर्मों में बहुत इसके बारे में लिखा है, उसने ऐसे तपस्या करके प्रायश्चित किया, ऐसे किया, तो तपस्या और इन सबसे प्रायश्चित। लेकिन आज के जमाने में इतना ज्यादा इस तरह की चीजें शायद डिफिकल्ट है कि हम खूब उपवास करवा दे कोई, या कुछ और कड़े कड़े तपस्या करा दे, या अग्नि परीक्षा टाइप की चीजें। तो अभी राइटफुली फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट, फॉर अ और स्कूल स्टूडेंट, छोटी छोटी गलतियों को के प्रति हम कैसे प्रायश्चित करें, और वो प्रायश्चित ऐसा हो जो वेल कनेक्टेड विद द क्लास, विद द समाज, ऐसा हो, तो उससे, और फिर वो आकर बताए कि मैंने ये गलती करी और मैंने इसका ऐसे प्रायश्चित मुझे जैसा बताया गया मैंने किया, और आपको माफ किया जाता है, आपको नेक्स्ट मतलब आपको दिया जाता है कि यू कैन फर्दर ट्राई एंड लिव बेटर, ऐसा। तो ये ऐसे मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अपने जीवन में लोगों ने जिया है और उसको किया है। जैसे मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे दो ही सवाल छोटे बन में बताए, एक तो कहना माना और सच बोलना, ये दो रूल जी है फॉर अ चाइल्ड, और उसको फॉलो करते चले गए। तो हम जो भी कुछ बात होती थी अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बताते हैं चले आए, तो उससे क्या हुआ, हम सत्य पर रहने में बड़े आसानी से चला। अब मुझे लगता है सत्य बोलना बहुत आसान है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है दूसरों को दुख ना देने के लिए, ऐसा कभी होता है, लेकिन तुरंत उसका आभास हो जाता है कि मैंने ये बोला, भगवान मुझे माफ करना, ऐसे छोटा सा एक बोल के हम फ्री हो जी जाते। तो ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजों को हम प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं इन अ सिंपलेस्ट ऑफ मैनर। तो मेरे ख्याल से इससे स्टार्ट, ऐसी चीजों से स्टार्ट किया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यंग यूथ को जोड़ा जाए, तो आई थिंक ये एक मूवमेंट की तरह हो सकता है
और ये ज्ञान पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और ये बात मैं अपनी क्लास में भी कहता रहा हूँ कि आधुनिकता ने, या जो अब जो हमने नियम कानून बना लिए संविधान के नाम पे, वहां पे पाप की अवधारणा ही खत्म हो गई। भारतीय समाज यह वो पाप और प्रायश्चित इसके ऊपर बहुत आधारित था, लेकिन अब वो अपराध की श्रेणी में चला गया है। तो अपराध के लिए तो सजा है, और वो भी अगर साबित करेंगे तो वो आपको मिल पाएगा, अन्यथा आपको कुछ भी उसमें उपलब्ध होने वाला नहीं है। लेकिन इस विषय को हम लेंगे दोबारा जब हम नीति और न्याय के ऊपर बात करेंगे भारतीय परंपरा में, तो वहां पर हम पाप के बारे में भी बात करेंगे और अपराध, इन दोनों में क्या अंतर है, और उसके लिए प्रायश्चित और जो दंड प्रावधान है उनके ऊपर चर्चाएं करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आपके ये सुझाव बड़े अच्छे हैं, और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि और क्या सुझाव हमारे पास आते हैं। और अविनाश जी या डॉक्टर रविंदर जी, सर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस सारे विषय पर? आज तो ये क्षमा चाहूंगा मैं, आज तो क्योंकि समय काफी हो गया, और जो मेरा विषय आपको मालूम टाइम बहुत लेगा। अच्छा, तो आपके लिए अलग विषय, आपके लिए अलग समय रख दें। नहीं, जो आज रखा था ना, आज का संविधान वाला, हाँ, उसके ऊपर ही चर्चा चाहता हूँ मैं। चलो वो फिर अलग पूरा विषय रखना पड़ेगा। हाँ, कारण क्या कि आज गीता जयंती होने के कारण मैंने पहले ही जो दूसरी मेरी एंगेजमेंट थी उसको आधा घंटा लेट कर दिया। चलिए ठीक है, बार बार पहुंचे नहीं हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। डॉक्टर अविनाश जी, आपकी क्या राय है इस सारे विषय के बारे में, आपकी क्या सुझाव है? अपने को अनम्यूट कर लें डॉक्टर। अविनाश जी अपने को अनम्यूट कर लें। अभी जो सुझाव आए हैं, मैं उनका उनका समर्थन करता हूं, और अभी मैं भी मानसिक स्थिति में नहीं हूं कि इस पर कोई विशेष, क्योंकि अभी घर से कुछ जो करना है उसमें बहुत परेशानी में मैं हूं। ओके ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, इस विषय को फिर आप फिर ले लेंगे। डॉक्टर सदानंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, यस सर, जो while I am talking you can also have a look at what I have just sent now. I will quote that at the end of what I am talking now. It is a quotable quote. Now to start with, when we are talking about Bharatiya Samvidhan, Indology or Sociology or Social Sciences, whatever that particular period the society accepts as inevitable, needy, needful, essential, that will be accepted by the societies of certain period. The subsequent society, the younger generation, need not accept the same thing. They can they can go ahead with the what is timely, important for them. They will choose and they will go ahead and research on it, and they will do the needful. That is inevitable. It is a method of the society. Now coming to the science and its method, as proposed by Karl Popper, that which is proved in front of an august audience, knowledgeable audience, that during that particular period, that will be acceptable during that period. It can be proved again and again, replicated, the study can be replicated, or the study can be disproved. So these are the two parallel, similar, almost looking similar methods of the society and science respectively. Now coming to certain authors like Albert Einstein or Michel Foucault, what they have said is, and Shankaracharya also, our Shankaracharya also, what we are seeing in front of you is an illusion. Albert Einstein said that
इट नीड नॉट बी द ट्रूथ, द ट्रूथ मे बी डीप विद इन द सुपरफिशियल, डीप बिहाइंड द सुपरफिशियल. एंड मिशेल फूको फॉर अ वेरी टेरिबल इलनेस स्किजोफ्रेनिया, वॉट ही सेड वॉज इट डजेंट एक्सिस्ट. It doesn't exist means it is made and it is fabricated. When we are talking about the biological causes of it, there is a definite proof that it has got some problem in the biological. And such controversies in science, controversies in social, sociological issues, political issues, it can happen. It is inevitable. It has to be debated. Whatever be the case, to conclude, I would like to quote none other than Rabindranath Tagore. Human being, during the development, he has got certain goals, and the possibility for self-actualization should be there in the society, whatever be the type of society. And the quotable quote is, it is for man, it is for man to produce the music of the spirit with all the notes that he has in his psychology, and which through inattention or perversity can easily be translated into frightful noise. In music, man is revealed and not in a noise. Thank you. Good. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. बहुत सही बात आपने कही है, और टैगोर को कोट करके तो आपने उसको और प्रमाणित कर दिया है. और किसी की कोई वक्तव्य है, कोई और बात कहना चाहता है तो अपनी बात रख सकते हैं. किसी का कोई और वक्तव्य हो, कोई और पक्ष हो इस शास्त्र और लोक के संबंधों के ऊपर विचार करने में, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और फिर इस बात को आज हम पूर्ण यहीं पे करेंगे, और फिर दोबारा किसी वक्त इसको व्यापक रूप में लेंगे कि कैसे इन बातों को, लोक और शास्त्र के संबंधों को हम मेन डिस्कोर्स में लेकर के आए. और हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी बातों के बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारा स्कोप है इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है. लेकिन मुझे मालूम नहीं कि यूनिवर्सिटीज में इस तरह के कोई प्रयोग किए जा रहे हैं. तो, जी जी मैडम, डॉक्टर करम, जी जी मैडम प्लीज. सर, ये जब हमने लोक और शास्त्र के ऊपर विस्तार से थोड़ा सा आज प्रकाश डाला गया जी, तो ये चाहती हूँ जो भी हमारे अतिथि वक्ता जो आप आते हैं इस प्रकार की संगोष्ठियों में, तो आई थिंक अगर लोक और शास्त्र की बात करें तो वो अंग्रेजी विषय की वजह हिंदी में अगर हो तो वो बिल्कुल एक्चुअली वो साउथ इंडिया से हैं इसलिए थोड़ा सा उनका जो है ना वो एक बंधन था हो जाता है, अन्यथा वो हिंदी भी बोल लेते हैं, हिंदी में चल जाता है. हमारे लिए तो सारी भाषाएं ओपन है कि आप हिंदी में, पंजाबी में, जिसमें भी बात करें, बस ये है कि बात तत्व की हो, बात रुचि. और ये लोक और शास्त्र की बात तो प्राचीन काल से संस्कृत और हिंदी में ही अच्छे उससे प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त की गई है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर इनके ऊपर अभिव्यक्ति हिंदी में ही हो तो ज्यादा से ज्यादा ठीक है. हाँ जी हाँ, क्योंकि वो मैं आपकी बात से इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि अगर जब आप हिंदी में कहते हैं तो उसका संदर्भ बदल जाता है, पृष्ठभूमि बदल जाती है, क्योंकि हमारे शब्दों के अर्थों का इतिहास कुछ और है, और जब वो अंग्रेजी में आता है तो वो कुछ और ही बन के आता है. हाँ, अनुवादों से ही तो सारी गड़बड़ हुई है, सारी भारतीय मानसिकता गड़बड़ आ गई है. तो एनीवे, यदि किसी और की कोई टिप्पणी है, कोई और इस विषय पे कुछ कहना चाहता है, मैडम रिंकू और राकेश जी. जी जी ये संदर्भ बहुत बढ़िया उच्च स्तर का है, पर मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस विषय पर जरूर जी थोड़ा और चर्चा रखेंगे. ये एक्चुअली दो जो हमने परिचर्चाएं रखी थी,
ये केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए थी कि ये जो हम इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें काम करने का तरीका क्या होगा और किस तरह से हम उसको करेंगे। तो ये सारा दो दो लेक्चर्स थे, लेक्चर्स तो नहीं थे, ये तो ओपन हाउस डिस्कशन ही थी। तो इस दो में हमने तो यही किया है। अब इसके बाद हम लेक्चर सीरीज भी शुरू करेंगे और संस्कृत टेक्स्ट की या ऐसी कोई भी टेक्स्ट जिसको पढ़ाया जाना चाहिए या उसका पोर्शन जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए वो भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे विद्वानों के द्वारा। जिसका हाँ हिंदी भी रहेगा। हाँ जी वहीं से रहेंगे। तो बल्कि जो मैडम मीनाक्षी ने फॉर्म इसमें शेयर किया है उसमें यही दिया हुआ है कि अगर आप स्वयं किसी विषय के ऊपर लेक्चर देना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर टेक्स्ट पढ़ाना चाहते हैं वो भी, या कोई और आपका सुझाव है तो वो भी उसमें स्वीकार्य है। तो धीरे 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 हम इस सारे विषय को जो है वो अग्रसर करते चलेंगे। आभार जी आपका, धन्यवाद। और किसी की कोई टिप्पणी हो, कोई और विचार हो, कुछ और कहना चाहते हो? नहीं तो आज के इस विषय को हम यहीं पे पूर्ण करेंगे। तो ये जो दो दो दिन हमने जो परिचर्चा की है ये केवल ये बताने के लिए था कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्री नॉलेज है उसका प्रारूप क्या रहेगा, उसकी आधार भूमि क्या रहेगी, उसकी पृष्ठभूमि क्या रहेगी और उसके आगे के आयाम क्या रहेंगे। अब इसके बाद हम धीरे धीरे उन सभी विषयों को लेना शुरू करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स से है, चाहे वो राजनीति शास्त्र से है, चाहे वो सोशल साइंसेस का कोई भी है, या वो जैसे कि कल हमने बात की थी कि जो हम साहित्य शास्त्र पढ़ाते हैं उसका जो अनुप्रयुक्तता है, उसका जो प्रयोग परकता है उसको भी हम देखेंगे। तो कोई भी विषय हमारे से बाहर नहीं है क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वो सर्वसमावेशी है, ऑल इंक्लूसिव है। तो इसलिए हम सभी विषयों को धीरे धीरे करके एक एक करके लेंगे, शास्त्र भी पढ़ेंगे और साथ में उस पर विचार करने के लिए हम खुद भी प्रस्तुत होंगे और कोई लेक्चर्स होंगे उसको भी हम आमंत्रित करेंगे, उसको भी आयोजित करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम मीनाक्षी ने आज फॉर्म साझा किया हुआ है आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में, कृपया उसको भर दीजिएगा। तो उसके आधार पर फिर हम अपना जो है एक टाइम टेबल बना लेंगे और आप लोगों के साथ बातचीत रखेंगे। और अगर आप में से किसी ने अगर चैट उसमें व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज वहां कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ जो है वो हम बातचीत निरंतर सूचना का आदान प्रदान करते रहें। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार सर जी, थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और उसके बाद फिर